રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગહેલોત આજ રોજ વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતા। રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીને ગુજરાત કોંગ્રેસના સિનિયર ઓબ્ઝર્વર અશોક ગહેલોત મધ્ય ગુજરાતના કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ સાથે ચર્ચા કરવા આજ રોજ વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતા। ત્યારે એરપોર્ટ ઉપર પત્રકારો સાથેની અનૌપચારિક વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત મોડેલની પોલ ખુલી ગઈ છે। ગુજરાત મોડેલ શું છે તે બધાને ખબર પડી ગઈ છે। આ મોડેલ ખોખલું જ હતું, માત્ર તેના માટે માહોલ બનાવ્યો હતો અને બધું મેનેજમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, બાકી કશું છે જ નહીં। આ મોડેલની પોલ તે રીતે ખુલી ગઈ છે કે ગુજરાતમાં ખૂબ જ સમસ્યાઓ છે અને લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે, તેમ જણાવી તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગુજરાતમાં મુખ્ય મુકાબલો કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે જ છે। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ કેટલી બેઠકો જીતશે તે મુદ્દે સવાલના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આ અંગે કહેવું હાલ ઘણું વહેલું કહેવાશે। એ અગાઉ એરપોર્ટ ઉપર વાતચીતમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માએ એવું કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ મુકાબલો થશે। આ વખતે કોંગ્રેસ 125થી વધુ બેઠકો જીતશે અને આ માટે પૂરી તૈયારી કરી છે। એક બાજુ પ્રભારી 125 બેઠક જીતવાનો દાવો કરે છે, ત્યારે સિનિયર ઓબ્ઝર્વર કેટલી બેઠકો જીતશે તે અંગે હજી ઘણું વહેલું કહેવાશે તેવી વાત કહી રહ્યા છે। આમ બંને નેતા વચ્ચેના નિવેદનમાં વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો હતો। जो गुजरात मॉडल की बात किया करते थे वो तो प्रधानमंत्री बन गए। अब गुजरात मॉडल क्या है ये जनता के सामने आ चुका है। आपने हाल ही में कहा गुजरात मॉडल खोखला है, कितना खोखला है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल खोखली था, वो तो खाली ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर। गुजरात मॉडल वो मॉडल कुछ था ही नहीं। अब पोल खुल गई उस मॉडल की, जब मालूम है कि यहाँ पर सारी समस्याएं कैसी खड़ी है, लोग परेशान हैं और खाली मैनेजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कल आप आ नहीं पाए आपके नेता कह रहे थे ये राजनीति है, उनको आने नहीं दिया, क्या कहेंगे? अब देखिए वो तो जांच का विषय है, क्योंकि हम तो 4 घंटे बैठे थे एयरपोर्ट पे और जो मैसेज आ रहे थे आई एल एस इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है, कहते वो खराब है वहाँ सूरज के अंदर, ये कहा गया, हम उतर नहीं पाए, बैठे रहे, इतने में आ जाना पड़ा। आज कांग्रेस के नेताओं को सच्चाई क्या है ये तो मालूम कर सकते हैं एयरपोर्ट में, कब खराब हुआ आईएलएस सिस्टम, क्यों हुआ खराब। बड़ा सूरज बड़ी जगह है तो ये स्थिति क्यों बनी मुझे मालूम नहीं। कांग्रेस और बीजेपी यहाँ थी, अब केजरीवाल आ गए हैं, क्या क्या देखते हैं? कांग्रेस कहाँ है, जीतती कितनी उम्मीद? अब आने को तो कोई भी आ सकता, देखिए डेमोक्रेसी है, हम ये रोक नहीं सकते हैं। अब मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगा मैं कह सकता हूँ। क्या उम्मीद रखते, कितनी सीट और सरकार बनाने? अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना, फिर भी प्लानिंग, कोई नई पार्टी आई भी है मान लो, आने का किसी हक है। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होने वाला है ये मेरा मानना है। तो कहां कांग्रेस की सत्ता बनाएगी क्या? इस बार कांग्रेस मजबूत है, रणनीति क्या होगी आप? क्योंकि पिछली बार तो आपने कांग्रेस को सरकार बनाने तक नजदीक लेके आए थे आप, है ये मेरा मानना है। तो कहां कांग्रेस की सत्ता बनाएगी क्या? इस बार कांग्रेस मजबूत है, रणनीति क्या होगी आप? क्योंकि पिछली बार तो आपने कांग्रेस को सरकार बनाने तक नजदीक लेके आए थे आप, इस बार रणनीति क्या होगी? रणनीति बनाने आई है, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजस्थान के तीसरी बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर आदरणीय अशोक गहलोत जी को गुजरात के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कल भी उनको सूरत और राजकोट आना था लेकिन मौसम की खराबी की वजह से लैंडिंग की प्रॉब्लम हुई, दो जगह वो नहीं आ पाए। आज सेंट्रल गुजरात के प्रमुख कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है यहाँ बड़ौदा में, आज वो आ रहे हैं और इसके बाद में अहमदाबाद में नॉर्थ गुजरात के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। 2 दिन का उनका प्रोग्राम बना है अभी, तो आज हम सब लोग उनको लेने आए हैं और मैं समझता हूँ कि गुजरात राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, जिस ढंग के फैसले राजस्थान में हमारी सरकार ने किए जनता की भलाई के लिए, हम उन फैसलों को गुजरात में भी लागू करेंगे। चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जिस ढंग से निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर व्यक्ति को वहाँ दिया गया है, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा है,
बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल थ्रू आउट स्टेट्स प्रो पुअर लोगों के लिए खुली है, और जिस ढंग से किसानों के उत्थान के लिए चाहे कर्ज माफी हो 2 लाख तक की या उनके बिजली के बिल 5 साल जब भी हमारी सरकार बनती है वो बढ़ते नहीं है, और 1000 रुपये पर मंथ उनको बिजली का दाम हमारी सरकार चुकाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो गुजरात मॉडल है वो खोखला है, तो आप खुद यहाँ पे लंबे समय से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपने खोखलापन पाया गुजरात में? खोखला ही खोखला है, यहाँ यहाँ ड्रग्स आ रही है, लाखों करोड़ों की ड्रग्स यहाँ पे आई है, कहने को यह शराबबंदी है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। गहलोत साहब ने 1-1.5 साल पहले कहा था कि अगर होम डिलीवरी चाहिए तो गुजरात के किसी घर में या चौराहे पे आपको शराब मिलती है। बीजेपी को तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ आप यहाँ आके देखो ना, ये सच्चाई है। आज 14 बार पेपर लीक हुए हैं, 5 लाख पद यहाँ खाली पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पे है, और जिस ढंग से अभी थोड़ी बारिश हुई और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई, 4 सवारी बैठी गाड़ी में, पूरी सवारी आपके गड्ढे में चली गई गाड़ी में, तो कहाँ विकास है? लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कोविड में लाखों लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी है, ना बेड मिला। ये जब मैं कह रहा हूँ कि मेघवाल जी खुद वहाँ थे कल, पानाचंद मेघवाल, और वो गुजरात में काम कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और यहाँ भी देखेंगे उनको आप, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अगर दुख पहुँचा है उनकी कम्युनिटी के साथ ये हुआ है, तो उन्होंने भावावेश में जो बात कही, लेकिन उसके बाद वही गए हैं वहाँ पे, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ गए हैं कल, आप देखिए पूरे विजुअल। सर, गुजरात में जिस तरह कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? ये खरीद फरोख्त की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में नुकसान होगा, मेरा ये कहना है। और जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं वो भी मान सकते हो आप, कि जो चुनाव नहीं जीत पा रहा है वो अगर जा रहा है वहाँ, तो उनको भी क्या हासिल होने वाला है और बीजेपी को भी क्या फायदा होने वाला है? लेकिन ये जो अस्थिर करने की राजनीति शुरू से बीजेपी का हथियार रही है कि लोगों को तोड़ो, पिछली बार इन्होंने दावा किया था हम 150 प्लस जीतेंगे, रिजल्ट आया 100 के नीचे रह गए, उसकी पूर्ति करने का तरीका निकाला, इनके पास पैसा है, इनके पास सरकार है दिल्ली में, तो आप ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उन हथियारों का इस्तेमाल करके और पैसे का इस्तेमाल करके 15 MLA पहले खरीदे, एक बाद में खरीदा, ये खरीद फरोख्त से जिंदा है बीजेपी, जनता के विश्वास को आप कायम रख के जिंदा रहो, ये मेरा कहना है। 17 में तो आप और बीजेपी ही थे, अब केजरीवाल की एंट्री हो गई है, किस वो बीजेपी की बी टीम है, जैसे आई है वैसे चले जाएगी, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद कह रहे हैं सरकार नहीं बना सकते, तो जब सरकार नहीं बना सकते तो यहाँ आप आए किस लिए हो? यहाँ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, 5 साल यहाँ लड़ी है जनता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लड़ी है, आम आदमी कहीं नजर नहीं आई, चुनाव के टाइम आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद चले जाएंगे।